काम नहीं है आज कितना दिन से। आपकी कितनी उम्र है? हमारा 56। 56। कहाँ से बोल रहे हैं आप? आसाम से, आसाम आसाम में कहाँ लामलिंग, से? लामलिंग। आप ऐसा कर लीजिएगा, एक हाँ तो जी आप प्राणायाम शुरू कर दो, भस्त्रिका जी प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट डेली। इस जी इसके अतिरिक्त एक जो आपको जो दवाई के रूप में सारीवादी जी वटी और जी शिलाजित रसायन, ये लिख लीजिएगा। हाँ लिख रहे ये हैं। दोनों गोलियों को दो दो गोली, चार चार किताब गोली सुबह शाम गर्म पानी से ले लेना। और आयुर्वेद की दृष्टि से एक बहुत सिंपल सी औषधि बता देता हूँ, जो सरसों का तेल होता है जिसको कड़वा तेल बोलते हैं, उसको जी 50 ml आप तेल ले लें, और हाँ जी लहसुन की कलियों को 10 ग्राम लहसुन की कली छिलका हाँ उतार जी करके कूट करके जी उस तेल में हाँ पका लें। अच्छा उस तेल में पका करके अच्छी तरह से जब लाल हो जाए, छान जी करके उस तेल को चार चार बूंद आप कान में डालिए। जी ये कुछ दिन प्रयोग कर लेना, आप ठीक हो जाएंगे। और इसी विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई जी बार मॉडर्न सिस्टम के जो हमारे एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, भाई बंधु हैं, वो कहते हैं कि तेल कान में नहीं डालना चाहिए। उनके लिए मेरा निवेदन है कि हमारे आयुर्वेद की परंपरा में कर्णपुराण की परंपरा है, तेल डालने की परंपरा है, और हमने देखा है कि उससे बहुत लाभ होता है, बहुत सारे रोगों में लाभ होता है। और उसके ऊपर भी पतंजलि बड़े लेवल पर क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। पूरे प्रमाण जी के साथ हम ये कह सकते हैं कि तेल कान में डालना चाहिए। बच्चों के कान में भी तेल शुद्ध हो, तेल या तो तिल का तेल हो, या तो वह शुद्ध सरसों का तेल हो, या तो वह शुद्ध बादाम रोगन हो, इसको कान में डाला जा सकता है। इसको डालिए, और हमारे यहाँ नहाने के बाद में पहले सर पे भी तेल और कान में भी तेल डाला जाता था, तो उससे बहुत लाभ होगा। तो इसका प्रयोग करिए और आप ठीक हो जाएंगे। जो मैंने बताया उसको कर लीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं।